नाबालिग बाप बन गया दुदमुहे बच्चे का दुश्मन। पहले सिगरेट से दागा, फिर पटक पटक कर मारा। 2 साल के बच्चे को बेरहमी से मौत के घाट उतारा। दिल दहलाने वाली ये वारदात मंगोलपुरी इलाके की है। 2 महीने का एक बच्चा जिसने दुनिया में अभी कदम रखा ही था कि अचानक उसके पिता के सिर पर खून सवार हुआ और उसने बच्चे को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बच्चे के माता पिता नाबालिग हैं। आरोपी पिता को शक था कि वो बच्चा उसका नहीं है, बस इसी शक ने उसे हैवान बना डाला। पहले बच्चे को सिगरेट से दागा, फिर जमीन पर पटक पटक कर मारा और उसके हाथ पैर तोड़ डाले। मैं नहाने के लिए गई तो आधे घंटे बाद फोन आता है तो बोल रही है कि मम्मी के मेरे लड़का खत्म हो गया और ऐसे मारा है उसको, पूरी तरह से मुंह पे मार रखा है, सिगरेट से जला के मार रखा है, हाथ पैर तोड़ रखे हैं चारों और रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और सिगरेट पटक के मारा है और सिगरेट से जला जला। किसने मारा आखिर उसको? उसके मेरे घर वाले को, मेरे लड़की के बाप। दामाद ने आपको? आरोपी पिता फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। बच्चे के नाना नानी का कहना है कि आरोपी पिता के साथ ही लगातार धमकियां दे रहे हैं। हाँ, धमकी भी आ रही है कि मतलब कैश वैस आप इसे ले ले, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो तेरे और दोनों बच्चों को भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? अब कौन लोग हैं, नहीं के दोस्त हैं। आरोपी ने 1.5 साल पहले ही प्रेम विवाह किया था लेकिन उसके शक ने बच्चे की जान ले ली और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बाहरी दिल्ली में दुदमुहे बच्चे की हत्या का ये 2रा मामला है। राजीव